में अगर ये अनुभव आपको मिलने लगे तो समझ लेना कि आप परमात्मा के करीब पहुंच चुके हैं। पहला अनुभव है कि आपको मनन क्रियाओं को जागृत होना, आप जिस समय आपकी इच्छाओं की समाप्ति हो जाएगी, आपकी इंद्रियां स्थिर हो जाएंगी, आपकी किसी चीज़ की स्वयं की स्वेच्छाएं समाप्त हो जाएंगी, तो समझ लेना आपको परमात्मा के करीब पहुंचने का अवसर प्रदान हुआ है। क्योंकि आपकी इच्छाएं मर चुकी हैं, जिनकी इंद्रियां समाप्त हो चुकी हैं, वही तो है कि आप उस परमात्मा के पास पहुंचने की पूर्ण कोशिश करते हैं। अगला है आपको दिव्य दृष्टि हासिल होना। जिस पुरुषों को या जिन महान आत्माओं को दिव्य की दृष्टि की दृष्टि प्रदान हो जाती है, वो समझ लें कि उनको परमात्मा के करीब पहुंचने का अवसर हुआ है। दिव्य दृष्टि का मतलब है किसी चीज़ का पहले से आभास हो जाना, किसी चीज़ को जानना, किसी वस्तु को पहचानना या किन्हीं संतों को जानने की चेष्टा आपके मन में व्याप्त हो जाती है, तो आप समझ लेना कि आप परमात्मा के अनुयायी हो चुके हैं। अगला है किसी वस्तु को भूलना। आपके अंदर अगर ये भी एक तत्व जागृत हो चुका है, किसी भी वस्तु को भूल जाते हैं, आप मार्केट जाते हैं या बाजार जाते हैं, किसी सौदा को भूल आते हैं, किसी धरोहर को भूल जाते हैं, इन्हीं वस्तुओं का ध्यान आपके दिमाग से निकल जाता है, तो समझिए आप परमात्मा के करीब पहुंचने वाले हैं। क्योंकि आपका ध्यान अटूट है, आपका ध्यान विश्वसनीय है, आप ही तो हैं जो परमात्मा के पास हैं। अगला है आपके मन की शक्ति को बढ़ना, आपके मन की शक्ति प्रबल होना। जो वस्तु जो बात आप कह देते हैं वो आपकी पूर्ण हो जाती है, तो समझिए आपकी वो उम्मीदें पूर्ण होने वाली हैं। जो आप चाहते हैं, जो आप करना चाहते हैं, वो सब हो रहा है। जो आप विचार कर लेते हैं, आपका कार्य पूर्ण हो जाता है, तो समझिए आप भी उस परमात्मा के करीब पहुंच रहे हैं। आपका ध्यान अटूट है, क्योंकि आपका विश्वास ठहर चुका है कि हमारा कार्य कोई भी रुकता नहीं है, जो हम बोल देते हैं वही हो जाता है। इसीलिए आप समझिए कि आप भी ध्यान में लीन हो चुके हैं, आपको परमात्मा की प्राप्ति में ज़्यादा समय लगने वाला नहीं है। अगला है अपने आप को एकांत में भागना। जो लोग ऐसे विचार अपने मन में लाते हैं कि मुझे एकांत में चलना चाहिए, वहीं आनंद आता है, मुझे कहीं दूर जाना चाहिए, सबसे दुनिया से अलग रहना चाहिए, अगर ऐसे ख्याल आपके अंदर प्रतीत होते हैं, महसूस होते हैं, क्योंकि आपको सुकून महसूस होना चाहता है, ये दुनिया में आपका मन डिस्टर्ब होता है, तो आप समझ बैठिए आपका पूर्ण विश्वास कहता है एकांत मना जग बिचारे एक ही जग में होए, अलग भास अलग ही जाने मनुआ भजे सब होए। क्योंकि मन आपका विचलित हो रहा है, बार बार सोचता है कि हमें कहीं जाना चाहिए, एकांत में पहुंचना चाहिए, जहां हम बैठकर उस परमात्मा का ध्यान कर सकें, जहां बैठकर उस परमात्मा का गुणगान कर सकें, उस परम शक्ति का ध्यान कर सकें। आपका अगर ये मन कहता है तो आप समझ लीजिए आप उस परमात्मा के करीब पहुंचने वाले हैं, और बस आप अपनी कोशिश को बरकरार रखिए। क्योंकि ये अनुभव अगर आपको इसमें से होते हैं
तो अवश्य आपको परम शक्ति का ज्ञान सत्य का है, आपको परमात्मा की प्राप्ति अवश्य मिलेगी, क्योंकि यही तो हैं जो आपका अनुभव आपको पहुंचने की उम्मीद जाहिर करते हैं। क्योंकि आप हमेशा सत्य की खोज कीजिए, सत्यता के प्रबंध हमेशा जुड़े रहिए, आपको सत्य का बोध होगा, आपका सत्य का ज्ञान मिलेगा। आप हमेशा जुड़े रहिए, आप हमेशा सत्य कर्तव्यों पर चलिए, आपका कल्याण अवश्य होगा। सत्य गुरुदेव।